नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए, जो कि 26-27 जून को होना प्रस्तावित है, उसके लिए प्रीवियस ईयर 2018 के पेपर के रीजनिंग का एनालिसिस लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ प्रश्न या कुछ प्रश्नों के पैटर्न हमारे आने वाले एग्जाम में हमारे लिए सहायक हों। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मित्रों, कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से विषम की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा विषम है। तो गौर करिएगा कि जो गैंडा, शेर, बाघ, भेड़िया है, तो इसमें से जो गैंडा है आपका शाकाहारी है मित्रों, बाकी सब आपके मांसाहारी हैं। ठीक है, मांसाहारी हैं इसलिए सब भिन्न है। ठीक, मांसाहारी हैं इसलिए सब भिन्न है। चलिए नेक्स्ट, इस आकृति में उस चित्र का चयन करना है जिसके साथ चित्र सी का वही संबंध है, जिसमें चित्र सी का वही संबंध है जो आकृति बी और ए के बीच में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे मित्रों नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, यह आपका एक हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, एक यहां पे आ गया, एक आपका यहां पर आ गया, दो आपका यहां आ गया। ठीक है, दो आपका यहां आ गया, तीन आपका यहां आ गया, चार आपका यहां आ गया और पांच आपका यहां आ गया और छह यही रहा। छह आप देखिए ध्यान से, तो छह आपका उल्टा हो गया है। ठीक है, छह आपका उल्टा हो गया है, छह आपका उल्टा हो गया है। ठीक, चलिए और देखिएगा। इसी तरीके से इस वाले में अगर हम देखते हैं, इस वाले में हम देखते हैं कि तो इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो इसकी नंबरिंग हुआ आपका 1, 2, ठीक, 3, 4, 5 और ये त्रिभुज 6। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, एक अंदर आएगा, पहली चीज है कि 6 नंबर, देखिएगा 6 नंबर उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टे में देखिएगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी में त्रिभुज उल्टा हो रहा है। ठीक है सर, और इसके बाद में देखिएगा, एक अंदर आ जा रहा है, तो एक दोनों में अंदर आ रहा है। ठीक है सर, अब देखिएगा जो दो है, दो आपका मित्रों 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जा रहा है। ठीक है, दो नंबर जो है ये आपका 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो देखिएगा जब चित्र आपका इस तरीके से है, तो जब इसको आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो मित्रों यह आपका चित्र कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ऐसा देखिएगा बी और डी में से किसमें है, तो आप देखिए बी में है। ठीक है, बी में है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है, तो मित्रों यहाँ पे जो जिम कार्बेट, रणथंबोर, बांधवगढ़ और तुंगभद्रा है, इसमें से आपका जिम कार्बेट, रणथंबोर और बांधवगढ़ आपका जो है मित्रों, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा आपकी नदी है। ठीक, तो यहाँ पे तुंगभद्रा आपका अलग है। यहाँ पे नीचे दिए गए नामों में से विषम को पहचानना है, ये आपको दिए गए हैं HDFC, ICICI, IDBI, SEBI, BPN, BBO, BBOI, UCO और HSBC। तो इसमें से जो मित्रों सेबी है, यह आपका अलग है, सेबी आपका अलग है, बाकी सब आपके बैंक हैं। ठीक है, बाकी सब आपके बैंक हैं। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए नाम निश्चित तर्क से संबंधित हैं, उस तर्क का हमें चयन करना है जो कि अन्य सबों का हिस्सा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका तारापुर है, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम और नरोरा, यह आपके नाभिकीय संयंत्र हैं, यहाँ सब आपके भारत के, जिसमें से आप ऑप्शन में देखिएगा तो रावत भाटा भी आपका एक नाभिकीय संयंत्र है। ठीक है, बाकी सब अलग है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ आपसे कह रहा है मित्रों कि 25 पर्यटकों के समूह में 10 गुजराती बोल सकते हैं, 12 मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, 10 लोग ऐसे हैं कि जो कि गुजराती बोल सकते हैं और आपके 12 लोग ऐसे हैं जो कि मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, गुजराती बोल सकते हैं और ये आपके मराठी बोल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है मित्रों
कि पांच ऐसे हैं जो दोनों बोल सकते हैं, तो केवल गुजराती कितने बोलेंगे? तो 10 में से 5 गए मित्रों, 5 आया, और 12 में से जब 5 गए तो 7 आया। केवल मराठी बोलने वालों की संख्या 7 है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 5 आपके केवल गुजराती, 5 दोनों और 7 मराठी, टोटल आपके हो गए मित्रों 17। 17 लोग ऐसे हैं जो कि गुजराती मराठी या दोनों बोल सकते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं? 25 में से 17 घटा दीजिए, आ गया आपका 8। 8 ऐसे लोग हैं जो कि ना तो गुजराती बोल सकते हैं ना मराठी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 38 छात्रों की कक्षा है जिसमें 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र आपके मित्रों फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है, 20 छात्र आपके फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 आपके चेस पसंद करते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके आपके क्रिकेट वाले हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके फुटबॉल वाले, ठीक, ये हो गए आपके चेस वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं, 18 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, और आपके मित्रों 15 ऐसे हैं जो कि चेस को पसंद करते हैं। कह रहा है कि आपसे 8 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, और उनमें से यानी 8 में से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। अर्थात मित्रों इसका अर्थ यह हुआ कि 3 ऐसे छात्र हैं, 3 ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट, चेस और फुटबॉल तीनों को पसंद करते हैं। तो मित्रों जब 8 में 3 ऐसे हैं कि जो कि क्रिकेट, चेस और फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो 5 ही बचे, 8 में से 3 गए 5, 5 ऐसे बचे जो कि क्रिकेट और चेस दोनों को पसंद करते हैं, 7 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं, और 6 ऐसे हैं जो केवल चेस को पसंद करते हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिएगा, 5 3 8, 8 और 7 15, 15 लोग हो गए क्रिकेट में, तो अब बचे कितने? 3। तो 3 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल को भी पसंद करते हैं, ठीक है। 5 3 8 और 6 14, चेस को देखिएगा, तो 5 3 8 और 14 6 14, तो अर्थात चेस और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो 1 है मित्रों, ठीक है। तो 5 3 8 1 9 6 15, 15 हमको दिया गया था। तो अब यहां से आप देखिएगा, 3 3 6 6 और 1 7, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो 3 3 6 1 7, 20 में से आप 7 को मित्रों निकाल दीजिए, तो आ गया 13। 13 ऐसे हैं जो कि केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें से 40 रोगियों को मित्रों मधुमेह है और 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्हें मधुमेह है, डायबिटीज है, और इन्हें ब्लड प्रेशर है, ठीक है, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, ठीक। चलिए समझते हैं, 40 यहाँ पे रोगी थे, 30 ऐसे हैं। कह रहा है कि 22 रोगी ऐसे हैं मित्रों जिनको कि दोनों है, ठीक है, 22 रोगी ऐसे हैं जिनको कि दोनों है। तो केवल मित्रों केवल मधुमेह कितने को है? तो 40 में से 22 निकाल दीजिए मित्रों, तो आ गया आपका 18। 18 ऐसे हैं जिन्हें कि केवल मधुमेह है, और 30 में से जब 22 आप निकाल दिए मित्रों, आ गया 8। 8 ऐसे हैं जिन्हें केवल रक्तचाप है। तो मित्रों आपके टोटल हो गए 18 धन 22 धन 8, ठीक। ये तो हो गए आपके जो कि जिन्हें मधुमेह है या दोनों है या रक्तचाप है, ठीक। प्लस 17 ऐसे हैं, 17 रोगी ऐसे हैं जिनको न तो मधुमेह है और न ही उन्हें उच्च रक्तचाप है, ठीक। तो टोटल प्रतीक्षारत रोगी कितने हैं? तो टोटल रोगी कितने हैं मित्रों, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका हो गया ये टोटल मित्रों, जब आप जोड़ देंगे तो आएगा आपका 65, ठीक, इसे जोड़ेंगे तो आएगा आपका 65, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं। आपसे कह रहा है कि एक संगीत कक्षा है जिसमें से 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 छात्र आपके गिटार बजा सकते हैं मित्रों, और 10 ऐसे हैं जो कि आपके वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही
गिटार भी बजा सकते हैं। ये कह रहा है कि छह ऐसे छात्र हैं, ये हो गए आपके बांसुरी वाले, ये हो गए आपके गिटार, ठीक है मित्रों, और ये हो गए आपके वायलिन, जिसमें से आपसे कह रहा है कि 12 छात्र बांसुरी वाले हैं, 11 छात्र आपके गिटार वाले हैं, और मित्रों आपसे कह रहा है कि 10 ऐसे हैं जो कि वायलिन बजा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 6 छात्र ऐसे हैं मित्रों जो कि बांसुरी के साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र ऐसे हैं जो वायलिन भी बजा सकते हैं, अर्थात 3 छात्र ऐसे हैं जो कि बांसुरी, गिटार और वायलिन तीनों बजा सकते हैं। तो 6 छात्र ऐसे हैं जो बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं, तो उसमें से 3 छात्र निकल गए, तो मित्रों बचे 3 छात्र, केवल 3 छात्र ऐसे हैं जो कि बांसुरी और गिटार बजा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा मित्रों, आगे आपसे कह रहा है कि 3 छात्र ऐसे हैं जो कि केवल गिटार बजा सकते हैं, और 4 छात्र ऐसे हैं मित्रों जो कि केवल वायलिन बजा सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि केवल बांसुरी कितने छात्र हैं जो केवल बांसुरी बजा सकते हैं। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पे 3 3 6 3 9, ये वाला आप देखिए, ये 3 3 6 और 3 9, ठीक है, ये हो गए 9, और टोटल गिटार कितना था, 11। तो यहाँ पे कितने बचे जो गिटार और वायलिन वाले हैं, 2, ठीक है। अब ये देखिएगा 3 और ये 2, 5 और 4 9, तो यानी कि वायलिन और बांसुरी वाले कितने हो गए जो कि दोनों बजाते हो, बांसुरी और वायलिन, 1 लोग, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिएगा, 3 3 6 1 7, 12, 12 में से 7 गए मित्रों, आ गया 5, यानी 5 ऐसे लोग हैं जो कि केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ठीक है, 5 ऐसे हैं जो कि केवल बांसुरी बजा सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दी गई आकृति में मित्रों आपसे पूछ रहा है कि आयतों की संख्या कितनी है। तो मित्रों देखिएगा कि बाकी त्रिभुज दिखेगा आपको, बस यही आयत है, ठीक है, यही आपके आयत है। तो मित्रों एक देखिएगा, एक छोटा वाला ये यहाँ से है, तो एक छोटा वाला एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक पूरा बड़ा वाला मिला के हो गया, टोटल आयतों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से मित्रों पूछ रहा है आपसे कि नीचे दी गई आकृति में त्रिकोणों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा मित्रों, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ये छोटा वाला लेके देख रहे हैं, तो यहां से देखिएगा मित्रों, 3 है, 1 2, और पूरा बड़ा वाला मिला के हो गया 3, ठीक है, 3 यहां से है, तो बिल्कुल मित्रों यहां से भी 3 हो जाएगा, ये देखिएगा, इस वाले से भी 3 हो जाएगा, ठीक, और सेम इसी से देखिएगा मित्रों, तो इस वाले से भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक, इस वाले से भी 3 हो गया, तो 3 धन 3 धन 3, ठीक है, 3 3 6 3 9 हो गया मित्रों। फिर अब देखिएगा मित्रों, आप लोग यहाँ पे ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इस त्रिभुज को देखिएगा ध्यान से, ठीक, एक इधर का हुआ तो एक मित्रों इधर का हुआ, ठीक है, 2 हो गए। इसी तरीके से जब ये 2 हो गए मित्रों, तो इसी तरीके से इधर वाला भी देखिएगा, ये और इधर का भी देख लीजिए इस तरीके से, तो ये 2, तो 2 2 4, फिर इधर वाला उल्टा, ये वाला हो गया एक, एक ये वाला हो गया आपका, 2 2 4 2 6, ठीक, तो ये भी हो गया आपके 6, प्लस एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो गया आपका, तो ये हो गया। तो इस तरीके से कितने हो गए, 3 3 6 3 9 9 6 15 15 1 16, टोटल आपके 16 त्रिभुज हो गए मित्रों, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक मानक पासा दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है, मित्रों आपसे यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, विपरीत पृष्ठों को जोड़ने पर, जहां पर 7 आएगा, योग जहां पे 7 आएगा, वही आपका सही उत्तर है, ठीक, वही आपका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, अब देखिएगा, 2 का विपरीत 5 है, ठीक है सर, सही है, 2 का 5 है, सही है, 4 का विपरीत यहाँ पे 6 है, तो 6 4 10 हो गया, तो पहला गलत हो गया सर। ऑप्शन बी में देखिएगा कि आपका 2 का विपरीत 5 है, 2 5 7 सही है, 1 का विपरीत 6 है,
सही है, और चार का विपरीत तीन है, सही है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे छह का विपरीत एक सही है, दो का विपरीत तीन हो गया तो ये पांच हो गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी देखिएगा कि एक पांच का विपरीत तीन हो गया, छह का विपरीत एक हो गया, यानी ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी आपका सही है। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है, एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और इसको हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मान लिया। ठीक, चलिए, वह अपने घर से निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली। ठीक, 8 किलोमीटर वह आपकी पूर्व दिशा की ओर चली, फिर वह 90 डिग्री घड़ी की सुई के विरुद्ध चलती है। तो हम जानते हैं कि हमारी ये अगर घड़ी है तो हमारी घड़ी इस दिशा में ऐसे चलती है मित्रों, तो हमें घड़ी के विपरीत चलना है। ठीक है, तो घड़ी के विपरीत का अर्थात अर्थ ये हुआ कि वो उत्तर की तरफ गया। ठीक, और कहाँ गया, कितना गए, मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि घर से झील की लघुत्तम दूरी कितनी है, तो आपसे मित्रों यही दूरी पूछी जा रही है। आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 64 धन 225। ठीक, ये 9 8 2, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया मित्रों, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया 289, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289। ठीक है, और ये मित्रों होता है आपका 17 का अंडर रूट होता है। ठीक है, ये अंडर रूट होता है आपका कितने का, 17 का अंडर रूट होता है। ठीक, यानी कि आपका सी वाला सही है। ठीक है, आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट, दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, दीपक कार्यालय से निकलता है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ गया और अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ 12 चलता है, यहाँ 5 चलता है। कहता है ये कौन था, दीपक था, ये दीपक की बात की गई है। कहता है कि मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक है मित्रों, अब यहां से जो है, यहां से अब मदन जा रहा है किधर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गया वो मित्रों, क्योंकि देखिए हमने बताया था हमारा नॉर्थ है साउथ है ईस्ट है वेस्ट है, तो वो आपका पश्चिम की ओर गया 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है और बाईं ओर मुड़ने के बाद वो 12 किलोमीटर चलता है मित्रों। ठीक, 5 यहाँ चलता है, 12 यहाँ चलता है यहाँ से। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि दीपक और मदन के घर के बीच की दूरी कितनी है। तो मित्रों यहाँ पे दीपक का घर है और यहाँ पे आपके मदन का घर है, तो आपसे यही दूरी पूछी जा रही है। तो आपको पता है मित्रों, आपको पता है आपसे यही दूरी पूछी जा रही है। ठीक है, तो आप इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, जब आप पाइथागोरस लगाएंगे मित्रों तो आप देखेंगे कि यह 5 है, यह 12 है, तो इसका ट्रिपलेट 13 होता है। देख लीजिए कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो गया 25, 12 के स्क्वायर हो गया 144 बराबर 169, तो कर्ण बराबर हो गया मित्रों अंडर रूट 169, ये हो गया आपका 13 का। तो अगर यहाँ कार्यालय से दीपक के घर की दूरी 13 है और कार्यालय से मदन के घर की दूरी भी 13 है, तो टोटल इन दोनों के बीच की दूरियां, दोनों के घरों के बीच की दूरियां 26 किलोमीटर होगी। ठीक है, 13 धन 13 बराबर 26 किलोमीटर होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हमसे पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। ठीक है मित्रों, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिए, जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है मित्रों वो वर्टिकल होता है। ठीक है, वर्टिकल होता है, और जो जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब मित्रों आपका हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे पे आप जो देखेंगे इस तरीके से वो आपका दर्पण बनेगा और इस तरीके से जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो आपका जल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए गौर करते हैं इसमें से कौन सा सही होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, अगर ऑप्शन ए को हम देखेंगे
तो ऑप्शन ए आपका त्रिभुज तो दर्पण में सही आएगा मित्रों, लेकिन इस फेस से त्रिभुज तो सही आएगा, लेकिन जब इस फेस से हम निकालेंगे तो हमारा त्रिभुज उल्टा हो जाएगा, अर्थात यह हमारा मूल आकृति को फॉलो नहीं करेगा। देखिए चलिए बी वाला देख लेते हैं मित्रों। बी में है कि इस तरफ जब हम रखेंगे दर्पण की तरफ तो हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा, यह तो सही है, लेकिन जैसे ही जल प्रतिबिंब बनाएंगे मित्रों तो जल प्रतिबिंब में हमारा यह प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का अर्थ है कि कुछ इस तरीके का मित्रों दिखने लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा, अर्थात अर्थात यह भी हमारा फॉलो नहीं करता। इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसा प्रश्न में है, जैसा प्रतिबिंब दिख रहा है वैसा ही दिखना चाहिए दोनों स्थितियों में, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी में देखते हैं। तो ऑप्शन सी में मित्रों दर्पण प्रतिबिंब में तो आपका सेम आएगा, लेकिन जब आप जल प्रतिबिंब करेंगे मित्रों तो यहाँ पे देखिएगा नीचे की तरफ देखिएगा, एक तरीके से आप W बना रहे हैं, ऊपर की तरफ आपका इस ये साइन है, तो यहाँ पे देखिएगा मित्रों ये आपका बिल्कुल मित्रों उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा और नीचे की तरफ आपका मित्रों इस तरीके का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक, नीचे आपका मित्रों इस तरीके से प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि आपका सेम यह फिगर की तरह नहीं है, ठीक। लेकिन आप ऑप्शन डी में देखिए, तो जब आप दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो जब आप इस हेक्सागन को षटकोण को जब आप घुमाएंगे, चाहे उल्टा देखेंगे तब भी ऐसे ही दिखेगा, और जब इस तारा को आप जब जल प्रतिबिंब में हो चाहे आपका दर्पण प्रतिबिंब में हो मित्रों, यह आपका सेम दिखेगा, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है मित्रों, हमसे पूछ रहा है मित्रों कि दिए गए कागज पर सामने की ओर, ठीक है, अंक चिन्हित किए गए हैं और पीछे कुछ भी नहीं लिखा गया है, उस कागज के अंक बाहर की ओर दिखाई दें इस रूप में मोड़कर एक पासा बनाया गया है, ठीक। तो आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक कागज है बॉक्स नुमा, उस पे बनाया गया है, उसको 6 हिस्सों में मोड़ा जाएगा और फिर आपसे कह रहा है कि ये सारे के सारे फिगर आपको सामने की तरफ दिखने चाहिए, कागज पे दिखने चाहिए, ठीक है मित्रों। तो आप देखिएगा यहाँ से एक चीज पहले कि जो यहाँ से हम विपरीत संख्या निकाल लेते हैं कि किसकी कौन सी विपरीत संख्या है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 का विपरीत है आपका 2, 4 का विपरीत संख्या है 2, 1 का विपरीत है 5 और 3 का विपरीत है मित्रों 6, ठीक है। तो अब देखिएगा कि विपरीत का अर्थ होता है कि कभी भी विपरीत संख्याएं बगल वाली सतह पर नहीं आएंगी, ठीक। तो आप देखिएगा ऑप्शन ए में 1, 2, 6 है, ठीक। अगर 5 का विपरीत 1 है तो 1 का विपरीत 5 है, तो ये भी तो हो सकता है ना मित्रों। यहाँ पे आप देखिएगा इसे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2, 4, 4 का 2 और 5 का 1 और 6 का 3 का 6, ठीक। आप देखिएगा ऐसे में कि 2, 1, 6 एक साथ नहीं हो सकता, 2, 1, 6 आपका एक साथ हो सकता है, 2, 1, 6 आपका एक साथ हो सकता है, ठीक, बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के यहाँ पे विपरीत ये नहीं है। ऐसा देखिए जैसे 2 का विपरीत है 4, तो 2 और 4 कभी भी अगल बगल नहीं हो सकते, ठीक। तो 2, 4, 6, 2, 1, 6 भी मिल रहा है मित्रों। अब यहां से देखिएगा 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 भी मिल रहा है ऑप्शन बी से। ऑप्शन सी भी देखिए 4, 5, 6 है और ऑप्शन डी में देखिए तो 3, 5, 6 है, तो 3, 5, 6, तो देखिए 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ऑप्शन डी तो पूरी तरीके से मित्रों आपका नकार दिया गया, ठीक। चलिए अब समझते हैं मित्रों कि क्या ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में ध्यान से देखिएगा मित्रों, ऑप्शन ए में ये ध्यान से देखिएगा तो आप यहाँ पे एक चीज आपको मिलेगी कि अगर हम एक को सामने फेस पे रख लेते हैं, ठीक है, ये वाला एक को हम फेस पे रख लेते हैं, तो जब हम एक को फेस पे रखते हैं तो हमारे दाहिनी तरफ मित्रों 6 है, तो सर यहाँ पे भी 6 है, सही है।
लेकिन आप देखिएगा मित्रों, जब आप एक को फेस पे रखेंगे तो दो मोड़ने पर आपका नीचे चला जाएगा, जबकि यहाँ पर दो जो है वो मित्रों आपके ऊपर वाले फेस पे दिखाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत है। ठीक, ऑप्शन बी में देखिएगा मित्रों कि जब आप पांच को, चलिए ठीक है, जब आप पांच को फेस पे रखते हैं, ठीक है, जब आप पांच को फेस पे रखेंगे तो ठीक है सर, फेस पे रख लिए, तो फेस पे रखने के बाद आप देखेंगे कि दो आपका ऊपर होगा, ठीक पांच के विपरीत, ठीक पांच के विपरीत एक होगा जो दिखाई नहीं देगा, और दो का विपरीत चार है, अगर दो ऊपरी सतह पे है तो चार नीचे होगा, और यहाँ चार ऊपरी सतह पे दिया गया है, इसलिए मित्रों आपका ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक, ऑप्शन सी को देखिएगा, अब तो ऑप्शन सी सही हो गया, लेकिन देखिएगा अगर ऑप्शन सी में हमने चार को मान लिया, जो ये चार है इसको हमने सामने वाले फ्रंट फेस पे मान लिया, ठीक है, तो चार को जब हमने फ्रंट फेस पे मान लिया मित्रों, तो चार के ठीक नीचे एक है, यानी एक नीचे वाली सतह पे चली जाएगी, चार का विपरीत दो है जो कि दिखाई नहीं देगा, तो चार अगर सामने है तो उसका विपरीत दो ठीक उसके पीछे है, तो अर्थात पांच आपके ऊपरी सतह पर आएगा, ठीक पांच आपके ऊपरी सतह पर आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। दूसरा देख लीजिए, अगर आप पांच को ऊपरी सतह पे रखते हैं मित्रों, अगर आप पांच को ऊपरी सतह पे रखते हैं तो ठीक दो पीछे की तरफ होगा, और पांच का विपरीत एक है जो दिखाई नहीं देगा, और घुमा के जब आप आएंगे तो चार आपका सामने आएगा, ठीक है चार आपका सामने आएगा, इस तरीके से भी आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट, यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री से और अंतस्थ आकृति को घड़ी की सुई के विरुद्ध 270 डिग्री से घुमाया जाता है, तो नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति मूल आकृति के समान होगी। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, आपका 270 डिग्री पूरा एक सर्किल होता है, सर्किल हमारा 360 डिग्री का होता है, ठीक है पूरा 360 डिग्री होता है, ये आपसे कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कोई प्रतिबिंब है, कोई इधर एरो है, तो इसको घुमा के आपको 90, 180 फिर इधर की तरफ कर देना है 270। ठीक, तो चाहे आप इधर से घुमाते हुए आ जाइए, समझ लीजिए, चाहे यहीं से उल्टा आप 90 घुमा दीजिए, तब भी हो जाएगा। चलिए समझते हैं, कह रहा है कि यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 डिग्री घुमाना है, अर्थात कि हम घड़ी के विपरीत 90 डिग्री घुमा लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए में देखिएगा, तो और कह रहा है इसमें कि ये सब घुमाने के बाद जो हमारी आकृति मिलेगी वो मूल आकृति के समान ही होनी चाहिए, तो आप गौर से देखिएगा मित्रों कि जब हमारा त्रिभुज इस तरीके से है, जब हम त्रिभुज इस तरीके से है, इस त्रिभुज को जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, अर्थात ये हमारे मूल आकृति को फॉलो नहीं करेगा, तो पहला तो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी को देख लेते हैं, ऑप्शन बी को देख लेते हैं मित्रों, ठीक है, तो ऑप्शन बी में जो है हमारा मित्रों, ऑप्शन बी को जब हम देखेंगे तो ऑप्शन बी में आप देखिएगा कि जो ये चतुर्भुज है, ठीक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज तो मित्रों वैसे ही रहेगा, चतुर्भुज तो घुमाएंगे इसके बावजूद भी आपका ऐसे ही रहेगा, इसे 90 डिग्री हम घुमा देते हैं मित्रों उल्टा, ठीक है तो अब भी ऐसे ही है। अब कह रहा है जो अंदर वाली आकृति है उसे घड़ी के विरुद्ध 270 डिग्री घुमाना है, तो अगर घड़ी के विरुद्ध 270 डिग्री का अर्थ हुआ कि घड़ी की दिशा में हम 90 डिग्री घुमा देते हैं, ठीक है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो देखिएगा मित्रों ये वाला साइन ऐसे है, बिल्कुल आप देखिएगा इस तरीके से चित्र है, तो जब 90 डिग्री घुमाएंगे मित्रों तो ये ऐसे चित्र हमारा बन जाएगा, ये वाला चित्र जो हम जहां पे अब पेन चला रहे हैं ये वाला बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, और जब यह ऐसे बन जाएगा मित्रों तो आप देखिएगा कि मूल आकृति में कुछ ऐसा दिया गया है, देखिए मूल आकृति में कुछ ऐसा दिया गया है, लेकिन बन के हमको क्या मिल रहा है, ये वाला, अर्थात ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए सी को देखते हैं, सर्किल है, सर्किल चाहे जैसा घुमाइए सर्किल का सर्किल ही रहेगा, ठीक है सर्किल का सर्किल ही रहेगा, और आप देखिएगा यहाँ पे मित्रों कि ऑप्शन सी को देखिएगा, तो जब ये वाला है आपका, ठीक है ये है, इसे जब आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आप कहीं से भी देखेंगे तो ये आपका सेम उसी तरीके से ही दिखेगा, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं मित्रों, ऑप्शन डी में देखिएगा कि जब यह आपका
इस तरीके से चित्र है, किधर? ऊपर की तरफ। जब यह आपका 90 डिग्री, आप इसको घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे मित्रों, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी, सॉरी कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। तो जब इस तरीके की आकृति बनेगी मित्रों, तो आपके चित्र में तो सीधी लाइन दी गई है, अर्थात ये भी आपका ऑप्शन फॉलो नहीं करता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 18वां प्रश्न है कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि, किस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। भारत में अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक, ये हमें प्रश्न दिया गया है। उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमें एक कथन दिया गया है, कथन में कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की जो बिक्री है उस बात पे निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा है। ठीक है, भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। अब हमसे निष्कर्ष पूछ रहा है, तो निष्कर्ष में क्या निकलेगा कि लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी। ऐसा तो कहीं पे भी कोई भी जिक्र किया गया है कि नहीं किया गया है? आप देखिए, ऐसा कोई भी जिक्र यहाँ पर मित्रों नहीं किया गया है, अर्थात ए वाला नहीं होगा। ठीक, दूसरा कहता है कि कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति को कम कर देंगी। ऐसा भी इस बात का कथन में कोई जिक्र नहीं है। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। और कह रहा है चौथे में कि प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी बिक्री से इजाफा होगा, इस बात का भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन सी देखिएगा कि कैसे आपके निष्कर्ष को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिलों की बिक्री की बात किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ महीनों के मानसून पर यह निर्भर है। कैसा है? भारत में अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। ठीक है, अर्थात आप देखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है, एक संभावित निष्कर्ष कह रहा है कि अगर कीमतों को अपरिवर्तित बना के रखा गया तो कंपनियों का तो भी राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपके कथन की बात नहीं निकल रही है। जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष आपके चारों ऑप्शन में सबसे सटीक आंसर आपका तीसरा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इनका इनका क्या कहते हैं, यहाँ पे मित्रों, सॉरी यहाँ पे मित्रों, वह एक मिनट, हम थोड़ा सा प्रश्न को फिर से चेक कर लेते हैं, प्रश्न को फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है मित्रों। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका सटीक, मतलब ज्यादा सुटेबल फॉलो कर रहा है। ठीक है, ज्यादा सुटेबल तरीके से फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए कि इसकी बिक्री की बात जो की जा रही है अक्टूबर महीने में, अर्थात ये किसी भी तरीके के राजस्व को बढ़ाने घटाने कोई बात नहीं कर रहे हैं, अर्थात इनकी कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। जब लोग नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेगी। ठीक है, जो कि एक बड़ी रकम, बड़ी कमी है। तो उपरोक्त में से किस निष्कर्ष को निकाला जा सकता है, आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा मित्रों, आपसे यही पूछ रहा है, उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। फिर से देख लीजिएगा, जब लोग नए घर खरीदते हैं तो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करेंगे।
उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देनी होगी। दूसरा देखिए कि भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मानदंडों में राहत देगी। रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में ई कॉमर्स साइटों पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री बहुत तीव्र हो जाएगी। तो देखिएगा मित्रों, आप यहाँ देखिएगा कि नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दर में कटौती होगी। तो मित्रों, जब 1% ब्याज दर में कटौती होगी तो नो डाउट होम बिक्री, फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी, क्योंकि जब ब्याज कम होगा तो ज्यादा लोग आकर्षित होंगे, फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी, जब फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी तो हमारे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद भी खरीदेंगे, क्योंकि अभी अगर 10 फ्लैट खरीदे गए तो 10 फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन खरीदी गई, जब 11 फ्लैट खरीदे जाएंगे तो 11 फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन खरीदी जाएगी। ठीक, अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, फिर कहता है करने चाहिए, और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक, रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, इसलिए इस बात, ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा, रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और अपना स्वयं का बहुविशेषता अस्पताल खोलेंगे। देखिए, ऐसा भी कहीं पे भी आपके कथन में जिक्र नहीं किया गया है। टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर बनने का विकल्प भी चुन सकते हैं। देखिए, अगर यह मेडिकल क्षेत्र है तो इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जा सकते। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अच्छे से मेडिकल टेस्ट में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसलिए कोई भी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। चलिए नेक्स्ट। मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं उन दुकानों पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ जिनमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाजार में कम खरीदारी करना चुनता हूं। ठीक है, चलिए गौर से समझिएगा आप क्या कह रहा है। कथन में पहचान करना है और धारणा को बताना है। ठीक है, धारणाएं हैं इसमें, अनुमान अंतर्निहित है, धारणाएं हैं, तो इसको आपको आपके व्यक्तिगत जीवन से नहीं जोड़ना है। जो कथन कह रहा है उसी कथन के अनुसार आपको आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। जी मार्ट और ब्लिस बाजार दोनों में अधिक ऑफर और छूट दी जाती है। देखिए, ऐसा मित्रों यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, इसने कहा है कि मैं उन दुकानों से खरीदारी करना पसंद करता हूँ जहां पे अधिक ऑफर मिलता है, और इसलिए कह रहा है कि जी मार्ट पर मैं अधिक खरीदता हूँ, ब्लिस पे कम खरीदता हूँ। इसका अर्थ यह है कि इसकी पहली कंडीशन है कि जहां ऑफर मिलेगा वहां मैं खरीदूंगा। ठीक, अर्थात जी मार्ट से अधिक खरीद रहा है, इसका मतलब है कि जीमार्ट ज्यादा छूट दे रहा है और आपका ब्लिस कम छूट दे रहा है, इसका अर्थ यही निकला। तो देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि ब्लिस दोनों अधिक ऑफर देते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ब्लिस बाजार में कोई ऑफर और छूट नहीं है, देखिए इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। जीमार्ट में ब्लिस बाजार की तुलना में अधिक ऑफर और छूट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं जीमार्ट से अधिक खरीदता हूँ, ब्लिस से कम खरीदता हूँ, इसका मतलब है कि जीमार्ट पे अधिक ऑफर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देखिएगा मित्रों, कह रहा है कि मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपयोग करने की सलाह दी है। ठीक, इसीलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ। इस कथन से पहचान करें कि नीचे दी गई धारणाओं में से
कौन सा अनुमान अंतर्निहित है। ठीक, तो देखिएगा पूर्वधारणा, ये जो है धारणा, जो है धारणा हमारा जो भी कथन कहा जा रहा है, कथन के अनुसार ही धारणा के बारे में सोचते हैं। ठीक है, धारणा के बारे में हम अपने व्यक्तिगत जीवन से नहीं सोचेंगे, यहाँ पे जो कहा जा रहा है वही देखेंगे। ये कह रहा है कि मधुमेह होने के कारण मुझे मधुमेह है, डॉक्टर ने मुझे कम चीनी खाने के लिए कहा है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूँ, आइसक्रीम इसलिए कम खा रहा हूँ क्योंकि नो डाउट आइसक्रीम में चीनी है, आइसक्रीम में चीनी है तभी तो मैं आइसक्रीम कम खा रहा हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं, आइसक्रीम में कम चीनी होती है, आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का जो स्तर है चीनी का स्तर कम हो जाता है जो मधुमेह को बढ़ावा देता है, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है, आइसक्रीम मधुमेह के लिए एक निवारक उपाय है इसलिए कम मात्रा में आइसक्रीम का उपभोग करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक, तो देखिएगा मित्रों यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बनेगा वह हमारा आंसर बनेगा आपका, हमारा जो एकदम सही आंसर है यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सी है वो हमारा एकदम सही आंसर है। कैसे, देखिएगा फिर से, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है, मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी, ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कहा है डॉक्टर ने कि आपको चीनी खानी ही नहीं है, कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है इसलिए मैं कम आइसक्रीम खा रहा हूं, आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। ये आपका देखिए ऑप्शन सी एकदम करेक्ट बैठ रहा है। और देखिएगा पहले में देख सकते हैं कि आइसक्रीम में कम चीनी होती है, ठीक है, आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है, बिल्कुल गलत है। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाएगा, ये भी गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक रिटेल स्टोर स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, रख रहा है, उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है, इस कथन से पहचान करना है कि कौन सी धारणा हमारी इसमें अंतर्निहित है। ठीक, तो देखिएगा मित्रों फिर से धारणा पूछ रहा है, तो धारणा हम अपने व्यक्तिगत जीवन से नहीं लेंगे, जो कथन में कह रहा है कथन से ही हम धारणा को अपने निकालेंगे, उसी कथन के अनुसार ही हम सोचेंगे समझेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, कह रहा है फिर से देख लीजिए कि एक रिटेल स्टोर स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। ठीक, उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया है। ठीक, चलिए देखते हैं, उच्च विपणन खर्च कर्मचारियों की प्रेरणा और रक्षा को बढ़ावा देगा, गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा, उच्च विपणन व्यय से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार और मार्जिन में वृद्धि होगी, मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा और स्टॉक न होने के कारण अवसर हानि में कमी आएगी। देखिएगा मित्रों आप अपने कथन से देखिएगा तो आपके कथन में कहीं पे भी कर्मचारियों की प्रेरणा रक्षा की बात नहीं की गई, आप देखिएगा मित्रों तो यहाँ पे आपके उच्च विपणन व्यय से विक्रेताओं के साथ वार्ता शक्ति में सुधार और मार्जिन की बात नहीं की गई है मित्रों। ठीक, यहाँ पे देखिएगा कि मार्केटिंग व्यय में वृद्धि से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार होगा और स्टॉक न होने के कारण अवसर हानि में कमी आएगी, इस बात का भी जिक्र नहीं है। ये कह रहा है कि एक रिटेल स्टोर स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करेगा, गतिविधियां और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है, अर्थात उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है तो जब ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य है यानी कि उच्च बिक्री अधिक खरीदारी
उच्च बिक्री अधिक खरीदारी होगी तो व्यवसाय अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका कथन का सही रूप से जो कथन अंतर्निहित है, जो धारणा कथन की धारणा अंतर्निहित है किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करना है मित्रों जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। ठीक, चलिए। जैसे बुक रीड है स्पीच, देखिए मित्रों किताब पढ़ी जाती है उसी तरीके से जो स्पीच है वो सुना जाता है। ठीक है, लिसन किया जाता है, उसको सुना जाता है। चलिए नेक्स्ट। यदि किसी भाषा में वाटर को इस रूप में लिखते हैं, ड्रीम को लिखते हैं, तो उसी भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखिए मित्रों हमने बताया है कि सबसे पहले काम किया जाता है कोडिंग कर लीजिए। ठीक है, तो कोडिंग कर लेते हैं सर। कोडिंग कर लिए, चलिए इसको भी कर लेते हैं। चलिए इन कोडिंग को लिख लेते हैं। ठीक है, इन कोडिंग को हम लिख लेते हैं। देखिएगा 23, 1, 20, 5, 18, 24, 3, 23, 9, 23। तो देखिएगा मित्रों 23 और 1 में 1 का अंतर है 24, 1 और 3 में मित्रों आपका 2 का अंतर है, 20 और 3 में आपका मित्रों 3 का अंतर है, 5 और 9 में मित्रों आपका 4 का अंतर है, 18 और 23 में मित्रों आपका 5 का अंतर है। ठीक, 18, 5, 23। इसी तरीके से देखिएगा मित्रों 4, 18, 5, 1, 13 और यहाँ पे है 5, 20, 8, 5 और 18। तो 4 और 1 हो गया मित्रों 5, 18 और 2 हो गया 20, 5 और 3 हो गया मित्रों 8, 1 और 4 हो गया मित्रों आपका 5 और 13 और 5 हो गया मित्रों 18। तो चलिए इसी तरीके से हम देख लेते हैं 20, 9, 7, 5 और 18। ठीक है, तो 20 से मित्रों 1 जोड़ेंगे आएगा 21, 9 में मित्रों 2 जोड़ेंगे आएगा आपका 11, 7 में मित्रों 3 जोड़ेंगे आएगा आपका 10, 5 में मित्रों 4 जोड़ेंगे आएगा आपका 9 और 18 में मित्रों 5 जोड़ेंगे आएगा आपका 23। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस 5, प्लस 4, प्लस 3, प्लस 2 और प्लस 1 का होना चाहिए। तो देखिएगा 21 कितने का है, अब इसका संख्या लिख लेते हैं। तो ये है आपका मित्रों यू के जे आपका 9i और W। ठीक, तो यू के जे आई W ऑप्शन डी देखिएगा आपका मित्रों सही है। ठीक, चलिए आज इतना ही मित्रों, बाकी हम फिर आपको 25 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी मित्र हमारे वीडियो, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे मित्र अभी पहली बार हमारे वीडियो पर विजिट किए हैं, हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। Thank you.